बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का नई वीडियो में ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक के फजल और करम से खैरियत के साथ होंगे और मेरी वीडियोस को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। अगर कहीं पे कोई भी कमी पेशी है तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी आपने मुझसे कहना, मुझसे बात करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, मैं रीड करके आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आपको फेशियल करवाना है, मैनीक्योर करवाना है या पेडिक्योर करवाना है, इन तीनों चीजों पे आपके अलग अलग कॉस्ट आती है। तो आज मैं आपको बताने कि इतनी ज्यादा महंगाई है कि हर बंदा महंगाई से बीमार है, परेशान है, लेकिन हमें अपनी ब्यूटी की तो साथ साथ केयर करनी है। तो इसके लिए आपको कोई भी महंगे महंगे प्रोडक्ट्स प्लीज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो खुशी से करिए, अदरवाइज आपको पार्लर्स में धक्के खाने की जरूरत नहीं। एक ही चीज, एक ही सीक्रेट वर्ल्ड नंबर 1 आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस चीज को बना के आपने रख लेना है, अपने वॉश बेसन के पास रखें, एक ही दफा बना के रख लें। अगर आपके पास टाइम की किल्लत है, टाइम इतना नहीं है, आपका टाइम भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे और बहुत शानदार रिजल्ट मिल जाने के बाद इसको अगर आप छोड़ना चाहें तो किसी किस्म का साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और अगर आप इसको लाइफ टाइम के लिए फॉलो भी करना चाहें तब भी आपकी स्किन के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो रेमेडी बनानी हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में एंड थंबनेल पे मैंने आपको बता दिया है। इसको एज अ फेशियल, एज अ मैनी, एज अ पेडी भी यूज कर सकते हैं। एक चम्मच भर के लिया मैंने कॉफी पाउडर और एक चम्मच मैंने लिया ब्राउन शुगर। अब ब्राउन शुगर अगर नहीं है तो यहीं पर अटक नहीं जाना है, जो घर में किचन में व्हाइट कलर की शुगर अवेलेबल है वो एक चम्मच आप इसमें डाल देना। आधा चम्मच आपको डालना है इसमें मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। विटामिन सी की 3 टैबलेट्स लेंगे जो आपकी कंट्री में, आपके शहर में, आपके आसपास आपको अवेलेबल है। वो 3 टैबलेट्स आपने लेनी है, उसको अच्छे से पाउडर करके आपने इसमें ऐड कर देना है। अगर आपके पास विटामिन सी का सिरम है ना तो वो और भी ज़्यादा बेस्ट है, आप सिरम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तब आपको सिर्फ आधा टीस्पून इसमें विटामिन सी का सिरम ऐड करना है। लास्ट में मैं इसमें मिला रही हूँ नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल। 3 चम्मच आपने कोकोनट ऑयल की इसमें ऐड करना है। इस चीज़ पर घबराना नहीं है कि गर्मी का मौसम है, काफ़ी हद तक गर्मी निकल चुकी है। अब ये जो वेदर है, ये जो मौसम है, इसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे विंटर में, समर में, किसी टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका जब आप जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अलग अलग से टाइम हमारे पास होता नहीं है, आप शावर तो रोजाना लेते ही होंगे, तो आपने अपनी बॉडी को पहले थोड़ा सा वेट कर लेना है पानी से। उसके बाद ये जो हमने स्क्रबर एक्सफोलिएटर बना के रखा है ना, इसको आपने थोड़ा सा अपने हाथों के ऊपर लेना है और अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है। यहाँ तक मेथड बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको लगा के वेट नहीं करना है, सारी रात लगा के आपने छोड़ना नहीं है। नहाने के लिए जब आप जाते हैं तब इसे अपने चेहरे पर, हाथों पे, पैरों पे अप्लाई कर लें। फुल बॉडी का तो ऑप्शन है इसमें, अगर आप फुल बॉडी पे अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप इसे चेहरे पर और हाथों पैरों पे एक ही टाइम पे अप्लाई करें। 5 मिनट का जस्ट आपने मसाज करना है। कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा खुश्की वाली हो जाती है, कुछ को इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है कि स्किन जो है वो कटने फटने लगती है। तो ये आपकी स्किन को इतना ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ, सफल बनाएगी। ये रेमेडी आपको इतने अच्छे रिजल्ट देगी। सिर्फ 5 मिनट का ये काम है। एक ही दफ़ा बना के आप इसको 10 दिन के लिए रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसमें किसी किस्म का भी लिक्विड आपने ऐड नहीं करना है, वरना ये बिल्कुल लोशन की फॉर्म में आ जाएगा और इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट नहीं होगी। 5 मिनट का मसाज करने के बाद, सर्दियां हैं अगर तो नीम गर्म पानी से आप अपनी बॉडी को या अपनी स्किन को वॉश कर दें, और अगर गर्मियाँ तो ठंडे पानी से वॉश कर दें। अगर हल्का फुल्का ऑयल की वजह से कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है तो चिपचिपाहट सी फील होती है, तब आप अपना बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बॉडी वॉश भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके फुल बॉडी के पोर्स के अंदर से सफाई होगी, आपकी स्किन जो है वो इतनी यूथफुल हो जाएगी, इतनी ज़्यादा नौजवान दिखाई देगी। तो स्किन के ऊपर बहुत सारे मसाइल जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये मेरी हेल्पफुल सी शेयरिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करिएगा और कम से कम 2 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मेरी मेहनत का ये सिला आप मुझे देंगे कि जब मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स रीड करूँगी, लाइक्स देखूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। चलते हम अपने आज के लेसन की तरफ। मेल एंड फीमेल सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेसन में आपको सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि कामयाबी सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, कामयाबी कभी भी किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। इस लेसन पर आपने गौर करना है, अमल भी करना है। दिल खोल कर जो भी काम करते हैं उस पर मेहनत करें। अल्लाह ताला हमारी नीयतें नेक रखे, हमारे इरादे मजबूत रखे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। मुझे, मेरे वालिदैन को, मेरे बहन भाइयों को, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना, अपने वालिदैन का, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती, अपने प्यार प्यार बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।